अरे गोल्डी भाई का क्रेडिट कार्ड लूट लिया। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉगर। मैं हूं तुम्हारा भाई अंशुल दोस्तों की द सस्ता ब्लॉगर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूं औरम स्कूल में, क्योंकि मुझे वहां मेरे एक दोस्त ने बुलाया कुछ काम के लिए। एक्चुअली वो कह रहा है भाई कुछ अच्छे अच्छे फोटोज आप खींच दो प्लीज। तो मैंने कहा चलो यार मैं हेल्प कर देता हूं। और जिसने मुझे बुलाया वो भाई खुद मेरी वीडियो शूट करता है, वो है मेरा डीओपी सुशी। तो सुशी ने मुझसे बोला कि भाई आ जाओ औरम स्कूल में और यहां पे प्लीज मेरे थोड़े से शूट कर दो। और फिर मुझे जाना है दिव्यांश के पास, फिर वहां पे उसके पापा ना क्योंकि यार सेंटा क्लॉज बन रहे हैं और फिर वो जो बच्चे होते हैं जो नीडी पीपल होते हैं उनको टॉफीज चॉकलेट शूज ये सब चीजें गिफ्ट करेंगे, तो उसको मुझे शूट भी करना है। तो भाई आज का दिन होने वाला है बहुत बिजी। तो सबसे पहले आप कर लो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल अभी, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे सारे व्लॉग्स एंड तक देखा करो, बिल्कुल एंड तक देखना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ठीक है? अच्छा लगता है तो गोल्डी भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी पहुंचता हूँ सुशी के पास। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ औरम स्कूल में और यहाँ पे रेडी कर चुका हूँ अपना कैमरा, और फाइनली मुझे मेरा भाई, मेरा डीओपी, मेरा यार, मेरा भीमताल का स्टड सुशी मिल चुका है। क्या हाल है ब्रो? कैसे सर? अच्छा हूँ सर। तो हम लोग सही सही टाइम पे पहुँच चुके हैं गाइस यहाँ पे। हाँ यार, तू कब मिला था मुझे लास्ट टाइम? मैं ही मिला था भीमताल में, तो उससे एक बार याद कर। हाँ यार। बताओ यार, ऐसे ऐसे तो डीओपी हैं यार मेरे, क्या होगा भाई? सेहत वेहत बना ले, कहाँ ले जाएगा इतना पैसा? 2024 क्या फायदा इतना शूट करके कि जब सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहा तू? 2024 अपने। और अभी हम आए हैं औरम स्कूल में और यहाँ पे चल रहा है टेडेक्स का एक इवेंट, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मेरे को कुछ फोटोग्राफी करनी है, वो भी कल ही रात सुशी का फोन आया रैंडमली कि अंशुल भाई जरा हेल्प चाहिए तो कर दो, क्योंकि कोई अभी बंदा है नहीं। तो मैंने कहा चलो यार भाईचारे में भाई के लिए हमेशा आई एम रेडी। और यहाँ पे भीमताल से और भाई हमारे साथ। भाई कैसे हो? बढ़िया। सब फर्स्ट क्लास? क्या नाम है आपका भाई? विजय। अच्छा विजय भाई, आप अच्छा आप ही हो ना वो इसकी इसको वो एक्टर बनाने वाले, इसको स्मार्ट बनाने वाले, एक्टर बनाने वाले हैं। हाँ, इसको कास्ट करने वाले। तो सुशी भाई क्या सीन है फिर? हैंकी लाना भूल गया हूँ अभी तो। हाँ क्या लाना भूल गए? हैंकी हैंकी। भाई को देखो, भाई तो फोन में लगा हुआ कंटिन्यू नॉन स्टॉप। डील चल रही है भाई की? डील चल रही है। कितने लाख की? 1.5 लाख से नीचे बात नहीं करता भाई। 1.5 लाख से नीचे बात नहीं करता भाई। एक बात बताओ सुशी भाई, तुम्हारे यहाँ पे भाई आया है, बड़ा भाई आया है, उसको क्या खिलवा रहे हो तुम? अभी खिलवाते यार, अभी कुछ खाने का सीन। मैं तो क्या आया? क्या खिलवा रहे हो? क्या खाओगे? जो तुम खिलवा दे वो खिलवा, बता। कुलचा खिलाऊंगा। मतलब शर्म नहीं आ रही है तब भी यहाँ पे बड़ा भाई बैठा? ये नहीं कि भाई के लिए पानी ला दूं, कुछ ला दूं। हैं चश्मा लगा लो बस, मैन इन ब्लैक बन के जैसे कोई कास्टिंग करने आ रहा है तेरे यहाँ पे। कौन पूछ रहा तेरे को, तू है कौन? ना स्मार्ट आ रहा है तू। आई गेस यू वोंट बिलीव, द यंगेस्ट ऑफ देम इज अराउंड 7 इयर्स ओल्ड एंड द एल्डेस्ट ऑफ देम इज अराउंड 16 इयर्स ओल्ड, एंड व्हाट टैलेंट दे हैव एट दिस एज, दैट्स अप्रिशिएबल। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बिफोर वी तो यार यहाँ पे अभी शूट का लगभग आधा पार्ट खत्म हो चुका है। तो अभी आधा पार्ट खत्म होने के बाद हम आए हैं यहाँ पे दूसरे शॉट्स लेने के लिए। तो यहाँ पे सुशी मेरे साथ और हमारे विजय भाई हैं यहाँ पे। कैसे हो भाई? भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत टैलेंटेड सिनेमाटोग्राफर हैं। इस जैसे को जिन्होंने एक्टर बना दिया, इस जैसे की वीडियोस इतनी अच्छी बना दी, मतलब यार मजा आ गया भाई। क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, क्या जल तो बेटे तू रहा है, पसीना भाग गया पूरा। Let's take an example, TEDx का इवेंट है और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ एज अ डिजाइनर।
मैंने ये सारी चीजें देखी कि यहाँ पे एक बैनर है, यहाँ पे एक बैनर है। जाट मुझे अवार्ड लेके देख खुशी से भर जाए उनकियाँ, मेरे नाम से ही है बुड्ढा बुड्ढी की पहचान। So what's your channel name? Mini Money Mastermind. मिनी मनी मास्टर माइंड। तो कैसे वीडियो डालते हो आप इस पे? Based on finance. Finance? अच्छा, finance tips देते हो आप? एक आठ टिप हमें भी दे दो, हम भी थोड़ा कमा लें फिर। Well, I don't give tips like that. Okay. But I just tell the basics, the knowledge about it, and you have to make the tips on your own. Okay, means you give some like information about analysis and all, है ना? Yeah. Okay, great. Keep going. Thank you. Bye. तो यार यहाँ पे अपना शूट वूट फाइनल हो गया है। मैंने तो कुछ फोटोग्राफ्स लेने थे वो मैं ले चुका हूँ, तो तुम्हारे भाई ने अच्छे अच्छे फोटोज ले दिए हैं, कैंडिड फोटोग्राफी कर दी है, बाकी सुशी ने की और विजय भाई ने किया है। तो जल्दी से भी हम लोग निकलते हैं, वो वहाँ पे डेटा कॉपी कर रहे हैं गाड़ी में, और फिर हम लोग जाएंगे सीधे यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भाई अभी हमारी कोई भी मील नहीं हुई है। और भाई यहाँ पे देखो जाम कितना लगा हुआ है, भाई ये देखो यार जाम ही जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो यार अभी जैसे कि आपको पता है मैं स्कूल में शूट कर रहा था, तो वहाँ ग्राउंड में ना मेरे शूज गंदे हो गए थे, तो मैं आया हूँ बहुत महंगी जगह पे अपने शूज साफ कराने के लिए। और ये है वो जगह, भाई शूज अच्छे से साफ करो बढ़िया करके। भाई जिसके शूज खुद ओम भाई साफ करते ना वो नसीब वाले होते हैं। अच्छा जूते साफ करके भी कुछ नसीब हो रहा है तुम्हें जो नसीब की बात कर रहे हो? पहली बात तो आपके शूज तो है नहीं, मेरे तो यहाँ रखे हैं ना, इसको भी तो करेगा अभी ये इस होते इस टाइप कैसे होते हैं? अरे तो इससे कर दे कोई बात नहीं यार। चलो चलो अच्छे अच्छे से करो। तो अभी हम जा रहे हैं अंकल का शूट करने के लिए, अंकल अभी बनेंगे सेंटा और जाएंगे मार्केट में, दिव्यांश ने मुझे बुलाया शूट करने के लिए। और यहाँ पे देखो भाई ये बंदा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, फोन चलाता रहता है, काम धाम नहीं है इसे। मैं पढ़ाई करता हूँ और अब नहीं करूँगा क्योंकि प्रीबोर्ड्स खत्म हो गए। अच्छा और बोर्ड्स नहीं देगा? बोर्ड्स दूंगा। तो यहाँ पे सेंटा क्लॉस रेडी हो रहे हैं। मनीष भैया आपको ही बनाया सेंटा? सेंटा फॉर्म में अंकल एकदम फॉर्म में इस वक्त, अंकल एक बिल्कुल फॉर्म में इस वक्त। Santa Claus is ready. Santa Claus जादू कर रहे हैं, जादू Santa Claus जादू कर रहे हैं। तो मैं और मनीष भैया आए अभी घर के बाहर और हम वेट कर रहे हैं अभी इन लोग के आने का। हम यहाँ पे आ गए थे अपनी पारिवारिक बातें करने के लिए। As usual हम वेट करते हैं। As usual waiting. सेंटा क्लॉस मुझे भी गिफ्ट दे रहे हैं क्या? कुछ गिफ्ट दिया सेंटा ने, जल्दी जल्दी वाले हैं। क्या बांट रहे सेंटा क्लॉस? संतरे बांट रहे हैं। सेंटा क्लॉस हमारा वेजिटेरियन है, हमारे पास वीगन सेंटा है भाई यहाँ पे। तो अभी मैं और दिव्यांश जा रहे हैं अंकल का शूट करने के लिए। भाई अंकल बने हैं सेंटा और अंकल जाएंगे मार्केट में और बच्चों को गिफ्ट्स भी देंगे और जो भी चीजें हैं सारे एक्सपेरिमेंट जो दिव्यांश करने वाला है ना वो आपको भी दिख जाएगा व्लॉग में। तो भाई मतलब एकदम मस्त माहौल होने वाला है, मुझे नहीं पता था भाई आज ऐसा भी हो जाएगा। अभी हल्द्वानी शहर में भाई खतरनाक चीज होने वाली है दिव्यांश पांडे व्लॉग्स के द्वारा। अच्छा अरे सर यार, और अंशुल भाई का पूरा योगदान है इसमें, अगर अंशुल भाई नहीं होते तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है, कर तो तुम फिर कई चीजें नहीं पाओगे लेकिन। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, हम लोग हंसी मजाक करते हैं। योगदान है भाई। नहीं यार अब यार भाई क्या करूँ यार, तू यार मेरा भाई है, अब ऊपर से तू इतने स्मार्ट है, लोग पूछते हैं इतने स्मार्ट लड़का आपके साथ कौन है ये, तो फिर यार इसलिए मैं आ जाता हूँ तेरे पास कि ठीक है लोगों को तू दिखता रहे, जो मेरे कॉन्टेक्ट में लड़के लड़कियां हैं उन्हें तेरे से स्मार्ट लड़का दिखे। मतलब यार समोसे वगैरह यार कुछ अच्छा अच्छा खिला दो यार, क्या समोसे वगैरह में निपटा रहे हो यार, कुछ अच्छा खिला दो यार। बहुत पैसा है। अच्छा अच्छा ये किसका है? आपके तो ला फिर मुझे दे, ठीक है? एंजॉय यार एंजॉय भाई, गोल्डी भाई अभी गोल्डी भाई छोटा भाई हूं मैं। अभी कह देगा पापा मांग रहे हैं 500 रुपए दे दो, कट कर दो। ये देखो आशिक, इसकी आशिक कैसे आशिक हूं दीवाना तेरे लिए मैं। क्या भाई इसे जबरदस्ती की जिम में मत कराओ, फालतू की ओवरलिफ्टिंग करता है करता है, इसके शरीर में फालतू का सोचा है, ज्यादा वेट उठाने से सोच रहा ना बॉडी बनेगी तो ऐसे नहीं बनने की है, उल्टा ज्यादा वेट कभी देखा भी है मेरे को वर्कआउट करते हुए? सुन ये जिम करके और सूख रहा है, सूख रहा है। और ऐसा मैं नहीं, लोग भी कमेंट्स में कह रहे हैं भाई 58 केजी वेट हो गया, 2 किलो बढ़ा है वेट। अरे भाई क्या फायदा, तू सूखता अंदर माइनस में जा रहा है। यार मैं हफ्ते में एक दिन जाऊँ दो दिन जाऊँ मैं मेंटेन रख लेता हूँ, मेरा जब खाना पीना मेंटेन नहीं होता ना तो यहाँ आता है, लेकिन मैं अगर करता हूँ ना तो दिखता है रिजल्ट। तू नरी है, फोन क्यों नहीं आएगी यार?
अब क्या करे, तू समोसे खिलाएगा तेल वाले तो फिर यही तो होगा ना यार। लेके चल कहीं खाते हैं, रशियन सैलेड, सेजर सैलेड, ग्रीक सैलेड, तो फ्रूट सैलेड तो अच्छा हो जाएगा ना। चटनी चटनी खा दीजिए। तो गाइस 5 मिनट के लिए चैनल जो है वो ओम पांडे ओवरटेक कर रहा है। तो गाइस मेरा नाम है ओम भाई एंड अभी हम लोग हैं रिजाल रोड पर और यहाँ पर काफी तगड़ा माहौल है, ठीक है। और अंशुल भाई आज खास कर हमारे यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे साथ है शूट करने भाई का व्लॉग। और जो बच्चे हैं, जो नीडी पीपल हैं, नीडी बच्चे हैं स्पेशली, उनको पापा जो है आज गिफ्ट्स वगैरह देने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो पापा जो है गाड़ी में सेंटा बन के बैठे हैं। भाई पहली बार जिंदगी में सेंटा गाड़ी चला कर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े मॉडर्न सेंटा है, कलयुग के सेंटा। और यहाँ पर जो है अंशुल भाई कैमरा लेकर फुल सेट हो रखे हैं और रेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त माहौल है, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। और ये हमारे पापा सेंटा क्लॉज के रूप में आज जो है नीडी बच्चों की मदद करने वाले हैं सूत्रों के साथ। ओम भाई उत्तराखंड न्यूज़। ये देखो भाई, अरे 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 बच्चे भगा दिए। आज पापा सेंटा बन के जो है बच्चों की मदद करेंगे। और यहाँ पर भाई और अंशुल भाई जो है यहाँ पर शूट कर रहे हैं। अंशुल भाई यहाँ पर कैमरा लेके गिम्बल पकड़ के तैनात, मनीष सर, दिव्यांश पांडे व्लॉग्स और अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक और ओम भाई आप सबके चहीते यहाँ पर खड़े हैं। और आज सेंटा क्लॉज पापा बने हैं और पापा के साथ लोग फोटो खिंचाते हुए। अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक सामने अपनी जान के जोखिम लेकर, अपनी जान पे खेल के डिवाइडर के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर जो है खतरों के खिलाड़ी खेलते हुए। अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक पे पैसे ख़त्म हो चुके हैं और ये आ चुके हैं डिवाइडर पे। ये देखो भाई ऐसे सर्जरी कर रहे हैं लेंस की, ठीक है। ये देखो भाई अगर आपके कैमरे को बुखार है या वो खांसी कर रहा है तो कृपया अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक डॉक्टर के पास लेकर आइए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे सेंटा क्लॉज से मिलने आ रहे हैं और अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक यहाँ पर अपना फ्लैप ढूंढ रहे हैं। इनका फ्लैप खो चुका है और यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल रहा है। यहाँ पर देखो सेंटा क्लॉज क्या क्या लगा रहे हैं। गाइस मैं अभी ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ अजीब तरीके से क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है ऐसी ओवर एक्टिंग करने में, ठीक है। और लेकिन अभी ओवर एक्टिंग को करते हैं बंद और नेचुरली व्लॉग बनाते हैं जैसे मैं हर समय बनाता हूँ। और अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक देख सकते हैं गाइस आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं ये मत देखना बस। भाई ये गिम्बल एसयू खड़ा कर दिया उन्होंने। यहाँ पर अंशुल रस्तोगी म्यूज़िक काफ़ी अच्छे से वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर हमारे सेंटा क्लॉज आप देख सकते हो गाइस घंटी बजा रहे हैं। ये देखो भाई ये देखो सारे गरीबों को चॉकलेट क्या चाहिए क्या चाहिए। अरे गोल्डी भाई का पैसा 2.5 लाख के कैमरा लेके खड़े बैठे हुए हैं। अरे गोल्डी भाई का क्रेडिट कार्ड लूट लिया। लफ्सियाप्पा का एक्टर गरीब हो गया, डायरेक्टर गरीब हो गया, लफ्सियाप्पा एक्टर गरीब हो गया, लफ्सियाप्पा का। तो यहाँ पे भी सेंटा क्लॉज दे रहे हैं यहाँ पे गिफ्ट्स और यहाँ पे काफी सारे बच्चे आ चुके हैं फोटोज वगैरह खिंचाने के लिए। बच्चे डांस कौन करेगा? तो भाई आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे कितना कर्रा सीन हो चुका है भाई। मीटअप वाला सीन नहीं आ रहा, दिव्यांश मस्ती हो रही है एकदम भाई। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ हो गई है भाई, एकदम मस्त भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई ये डिकोर वगैरह चल रहा है, देखो सारा डिकोर है यहाँ पे। कल शायद और ज्यादा डिकोर हो जाएगा ना, कल और डिकोर मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोग हैं, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अंकल ने सेंटा बन के सबको टॉफी चॉकलेट्स बांट दिया। अब यहाँ से चलते हैं, लेगा सामने से कुछ, मामा अर्थ में जाएगा। मामा अर्थ तो अपन को स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर करता है सपनों में। तो अभी हम लोग आए हैं चर्च में और यहाँ पे मनीष भैया, ओम, दिव्यांश सब लोग हैं। तो अब चर्च के अंदर चलते हैं और चर्च के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ का डिकोर दिखाता हूँ भाई। ये देख शॉट देख, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। तो दिव्यांश भाई मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच यार, ठीक है। आप हो कौन वैसे?
मैं कोई नहीं, बस मैं एक इंसान नॉर्मल जो आपके दिल में बसता है। तो भाई दिव्यांश लोग जा चुके हैं घर पे, अभी दिव्यांश ओम मनीष भैया और अंकल चले गए हैं घर, और तुम्हारा भाई आया अपने एक भाई से मिलने। वैसे मिल तो चुका हूँ क्योंकि हम लोग घूम चुके हैं, गेड़ी मार चुके हैं, 15-20 मिनट बातें कर चुके हैं। क्या हाल है भाई? लेकिन मेरा भाई मुझसे मिलने जरूर आता है, हल्द्वानी आती रात के 11 बजे हूँ 12 बजे। देखो सच में अभी 11 ही बज रहे हैं, देखो टाइम देख लो कितना हो रहा है। झूठ नहीं बोलते यार हम लोग, मानते नहीं है। देखो आपको दिख रहा है 11:47, तो यानी 12:15 बज रहे हैं अभी। मुझसे मिलने जरूर आता है, लेकिन क्या करें यार भाई, यार तू यार यू नो प्यार है यार, तू यार अपना भाई है, अपना ब्रो कोड है यार अपना। यस ब्रो, और बता सब बढ़िया चल रहा? सब बढ़िया ब्रो। ये कल चलेगा अंशुल? कहाँ चलना है लेकिन? कहीं तो चलते हैं, आज जाने का था नकुचेताल चलते हैं। कहाँ? नकुचेताल? आज बड़ा मन था। क्या हुआ बता? ऐसे घूमने का मन कर रहा है। मैं शायद कल शूट करने जा सकता हूँ, तो शाम को शूट पे जा रहा हूँ ना, लेकिन घूमने चलते हैं। मेरे को कैचीधाम, अतिन भाई से बोला था मैंने कैचीधाम चलने का, कैचीधाम चलते रहे ना। तो भाई मैं अभी डेटा वेटा सारा कॉपी कर चुका हूँ और एकदम फाइनली सिस्टम पे सारा काम सेट हो गया है। लेकिन सिस्टम तो सेट हो चुका है, लेकिन तुम्हारे भाई का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है भाई। मैं थक गया हूँ बहुत, गंदा वाला थकान हो रही है, नींद भी आई हुई है, और अभी 1 बज रहा है, ठीक है, रात के 1 बज रहे हैं। तो फिलहाल अभी मेरा सोने का टाइम हो चुका है, सो तो कह ही पाऊंगा, अभी भी मुझे 15-20 मिनट काम करना है, उस बीच में नींद उड़ गई तो मेरी बैंड बज जाएगी। तो फिलहाल लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। और भाई सारे ब्लॉग्स प्लीज एंड तक देख लिया करो यार, इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए। तो देखना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। लव यू ऑल, बाय। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है भाई मेरे चैनल पे जाके देख लेना, अंशुल रस्तोगी म्यूजिक पे।